जी अस्सलाम वालेकुम, कुरम मोबाइल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। आपकी सप्लाई है पावर सप्लाई से, जिसको हम 5 वोल्ट 3.78 वोल्ट से लेके, मतलब 1 वोल्ट से लेके मिनिमम और 30 वोल्ट तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं वेरिएबल, यानी 30 वोल्ट तक ये हमें करंट और वोल्टेज फ्राहम करती है। उसके बाद जो इसकी दूसरी ऑप्शन है, इसमें 5 एम्पेयर तक हमारी आउटपुट है, ठीक है, मतलब 5 वोल्ट, और चाहे हम इसको 3 एम्पेयर पे एडजस्ट कर लें, 4 पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एज ए शॉर्ट किलर भी काम करती है, समझ गए। उसके बाद जो सबसे इसका बेहतरीन और अच्छा फंक्शन है वो ये है कि इसमें 4 मेमोरीज दी गई हैं कि आप अपनी मर्जी के साथ वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करके, सपोज M1 पे मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये M1 में सेव कर देगी उसको, ठीक है। फिर जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो ये जो है वो मैं M1 को प्रेस करूंगा तो वो मेरे जो डिज़ायर वोल्टेज होंगे जो मैंने पहले से इसमें फीड किए वो सामने आ जाएंगे। M2 इसी तरह, M3 और M4 सेम इसी तरीके से हम अपनी मर्जी के वोल्टेज और करंट इस पर हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल वेरिएबल है इसका लगा हुआ एम्पेयर्स के लिए, करंट को वेरिएबल करने के लिए, और ये इसका जो है ये वोल्टेज को आपने वेरिएबल कर लेना है कितना आपको चाहिए, ठीक है। और इसकी लिमिट अगर आपने मतलब मुंतखब करनी है तो इन शॉर्ट वे इसका एक लिमिट मुंतखब करने के लिए 5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक जो है ना इसका पीछे ये दिया गया है।